तो आपके अपने चैनल विकास गुरु मैथमेटिक्स एनालिसिस में लेकर आए हैं फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन को क्या बोला, रेनू इज 15 ईयर्स यंगर देन बालू, यानी रेनू जो है बालू से 15 साल छोटी, रेनू 15 साल छोटी है किससे, बालू से। इस बात को आप समझिए, ये नाम रख दिया बालू, तिल का नाम सीमेंट रख देता ज़्यादा अच्छा होता मेरे हिसाब से। तो क्या तो रेनू जो है बालू से कितना छोटी है, 15 साल छोटी है। दो तरीका हम लोगों के पास है सोचने के लिए, देखिएगा कैसे सोचेंगे हम लोग। अब मानिए लेट प्रेजेंट एज निकालना है हमें ना दोनों का, प्रेजेंट एज ऑफ बालू, प्रेजेंट एज ऑफ बालू अगर वाई ईयर्स लेते हैं तो आप देख सकते हो कि रेनू का प्रेजेंट एज जो होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्रेजेंट एज ऑफ रेनू, ये बात यहाँ तक आप लोगों को लिख देना है। तो वो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा बालू से वो 15 साल छोटी है, तो यानी x माइनस 15 ईयर्स, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हम बोले थे कि तरीका दो हो सकता है सोचने का, हम देखेंगे इस क्वेश्चन में दूसरे तरीके को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट बोला जा रहा है क्या चीज़, आफ्टर टू ईयर्स, दो साल के बाद, आफ्टर टू ईयर्स अगर दो साल के बाद देखेंगे तो बालू का जो प्रेजेंट है उसमें वो दो साल इंक्रीज करेगा, यानी x प्लस टू का हो जाएगा। जबकि रेनू जो है वो x माइनस 15 की थी, तो क्या हो जाएगी, प्लस टू ऐड हो जाएगा ईयर। और ऐसा करने पे ये एज का जो रेशियो है 4:7 आ गया है 7। तो ऐसे लिखने पे हम लोगों के पास, देखिएगा ऐसे लिखने पे हम लोगों को क्या करना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ये दोनों में से बड़ा कौन है, ये चीज़ को भी हम समझते हैं। ठीक है, देखिए ये इस कैलकुलेशन को थोड़ा समझिएगा, हम यहाँ पे थोड़ा समझा दे रहे हैं, लिखना नहीं है। जैसे x प्लस टू है, ये कैलकुलेशन करते तो x माइनस आता है 13। अभी देखिए x प्लस का टू x में से 13 जाएगा, तो सिंपल सा बात है ये ग्रेटर होगा, ये बड़ा होगा, तो बड़ा के सामने रेशियो जो होगा बड़ा वाला वैल्यू रखाएगा और छोटा के सामने छोटा। ये भी कॉन्सेप्ट अपना जो बहुत काम देता है, इसके थ्रू भी हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और हम समय दर करेंगे, उसमें सब कोई हूर पेच नहीं करना पड़ेगा और आ जाएगा आंसर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 × x + 2 इज इक्वल टू 7 × x - 15 प्लस का है 2, यानी कि आ गया 4x + 8 इज इक्वल टू, देख सकते हो 7 × x - 13। दिस इंप्लाइज 4x + 8 इज इक्वल टू 7x, और 13 को 7 से टेबल पढ़ेंगे, सॉरी 13 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जो देख सकते हो 91 आ जाएगा, तो माइनस का 91। दिस इंप्लाइज 4x + 7x इधर है तो माइनस का 7x इज इक्वल टू 91, प्लस का 8 इधर है तो माइनस का 8। दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या हो जाता है, तो हो जाता है माइनस 3x इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाता है माइनस का 99, माइनस से माइनस हो जाता है कैंसिल, और इस प्रकार x इज इक्वल टू हो जाता है 99/3, यानी कि 33। हमने यहाँ से देखा कि x इज इक्वल टू है 33, जो कि किसका एज है, बालू का एज है 33, बालू जो है वो 33 ईयर्स का है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड में जो है, जो रेशियो है उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बस यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्निक का यूज करेंगे कि देखिएगा प्रेजेंट एज ऑफ, हमने यहाँ पे लिया था बालू x, अब हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं। देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान लगेगा, ये आसान लगेगा आप लोगों के लिए, कि रेनू का हम लोग प्रेजेंट एज मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं प्रेजेंट एज ऑफ रेनू वीआर x ईयर्स, जबकि हम लोग लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ बालू वीआर x प्लस 15, क्योंकि रेनू जो है 15 साल छोटी है, यानी कि बालू 15 साल बड़ा है, सिंपल सा बात, ऐसे भी हम ले सकते हैं और ये भी मेथड आसान होगा। अब बोलिए क्या, आफ्टर टू ईयर, क्वेश्चन में बोला था ना आफ्टर टू ईयर्स, तो टू ईयर्स के बाद, क्वेश्चन को पढ़िए फिर से, हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन को, ज़्यादा आसान होगा आप लोगों के लिए, कि द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 4:7, दो साल बाद वो दोनों के एज का जो रेशियो है 4:7 हो गया, और पहले रेनू था और बाद में है बालू, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग यहाँ पर रेशियो लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग कॉमन सेंस यूज नहीं करेंगे, ठीक है, नॉर्मल सेंस यूज करेंगे और क्वेश्चन बनेगा। तो देखिएगा आफ्टर टू ईयर्स क्या हो जाएगा, ये x प्लस टू की हो जाएगी रेनू, जबकि बालू जो होगा x प्लस 15 प्लस 2, और ऐसा करने पर इसके एज का रेशियो हो जाता है 4:7। यहाँ ईयर, यहाँ भी ईयर आएगा तो कैंसिल हो चुका है, मन में राम कर दिए, बगल में छुरी मार दिए, और यहाँ पर से 7 × x + 2 इज इक्वल टू 4 × x + आ जाता है 17। और ये भी कैलकुलेशन करने पर 33 ही देगा x का वैल्यू। तो देखिएगा 7x + 14 इज इक्वल टू 4x + 17 के टेबल 4 टाइम्स में 68 आ गया, और पहले भी बोले थे भैयारी भैयारी एक तरफ और मामानी का भाई एक तरफ रहना पसंद करता है, 7 में से 4 गया तो 3x इज इक्वल टू, यहाँ से बच जाता है 50 का 4, और कितने टाइम्स कैंसिल हो जाता है 17 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू आ जाता है 17। यहाँ x इज इक्वल टू 17 आया था, x इज इक्वल टू 33 आया था, तो यहाँ x इज इक्वल टू माने थे क्या चीज़ हम लोग, परसेंटेज ऑफ रेनू। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हेंस, क्या चीज़ बोल सकते हैं, प्रेजेंट इज ऑफ रेनू इज इक्वल टू 17 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ बालू इज इक्वल टू, देख सकते हो क्या लिए थे हम लोग बालू के लिए x प्लस 15, यानी कि x की जगह पर 17 + 15, और यहाँ आया 33 ईयर्स। तो दोनों मेथड में आंसर सेम आया है, चलो इसको भी हम लोग लिख ही लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बोल सकते हैं हेंस प्रेजेंट
एज ऑफ बालू, तो बालू के लिए हम लोग लिए थे एक्स, और एक्स इज इक्वल टू क्या था 33 ईयर्स, जबकि प्रेजेंट एज ऑफ रेनू इज इक्वल टू एक्स माइनस 15 यानी कि 33 माइनस 15 ईयर ईयर्स, तो आ जाएगा आपका 17 ईयर्स। तो दोनों मेथड ही कारगर है, आप किसी भी मेथड से बना सकते हो क्वेश्चन को।